नमस्कार। आज हम सबसे पहला राग राग भूपाली उसका परिचय देखेंगे और उसके अलंकार कैसे बनते हैं, तो उसके अलंकार बनाएंगे। सबसे पहले राग भूपाली जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। भूपाली राग में सभी स्वर शुद्ध स्वर आते हैं। इस राग में म और नी ये दो स्वर को वर्जित किया है, यानी कि ये दो स्वर लिए नहीं जाते हैं। राग भूपाली के वादी स्वर ग गांधार और संवादी स्वर ध दैवत है। भूपाली राग को रात्रि के प्रथम प्रहर यानी कि शाम के 7 से 10 बजे तक का समय गाने बजाने के लिए उचित माना गया है। राग भूपाली में आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर आते हैं, इसलिए यह राग की जाति ओडव ओडव मानी हुई है। राग भूपाली की जो प्रकृति है वो गंभीर और शांत रस प्रदान है। इस राग में प्रार्थना, भजन, ख्याल, ध्रुपद, तमार, गजल आदि जो प्रकार है वो अक्सर गाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम राग भूपाली के आरोह अवरोह और साथ में उसके अलग अलग अलंकार गाएंगे। सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा सारे ग प ध सा सा ग प ध रे सा 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 रे रे ग ग प प ध ध सा 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 ध ध प प ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग प प ग ग सा 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 ग ग प प ग ग रे रे सा 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 रे ग रे ग प ग प ध प ध सा सा ध प ध प
तो ये हुए राग भूपाली के अलंकार। और ज्यादा अभ्यास के लिए एक अलंकार जिसको हम नाम देंगे साइकिल। एक एक स्वर बढ़ते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस गाने के लिए और हारमोनियम प्लेइंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें प्लेइंग करने से आवाज या हाथ उसकी सफाई होती है। जैसे कि सा सा सारे सा सारे सा सारे गरे सा सारे गरे सा सारे गप गरे सा सारे गप गरे सा सारे ग प ध प ग रे सा सारे ग प ध प ग रे सा सारे ग प ध सा ध प ग रे सा सारे ग प ध सा ध प ग रे सा। ये साइकिल हुई आरोह की। अब लेंगे अवरोह की। सा सा साध सा साध सा साध पध सा साध पध सा साध पग पध सा साध पग पध सा साध पग रे ग पध सा साध पग रे ग पध सा साध पग रे सा रे ग पध सा तो ये हुए राग भूपाली का परिचय, अलंकार और साइकिल। अगले क्लास में हम राग भूपाली की सरगम यानी कि स्वर मालिका सीखेंगे। अस्तु।